राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 200 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का कार्य शुरू। 6 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर। 25 नवंबर को होगा मतदान। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवंबर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जाँच 7 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये जमानत राशि, एससी एसटी वर्ग के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि। 5 व्यक्ति आरओ कक्ष में कर सकेंगे प्रवेश। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो सकेंगे नामांकन दाखिल। संपूर्ण प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल 3 वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। अभ्यर्थी को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप ए बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। खास खबर.com के लिए कैमरामैन सुरेश ताने के साथ सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।